ग्रुप थियोरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में लेके आए हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। दोनों अलग अलग होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप है तो सिंपली हम लोग जितना एलिमेंट रहता है उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं ग्रुप का, लेकिन एलिमेंट का भी ऑर्डर निकालना है ना। तो दोनों के दोनों आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देखिए लेक्चर नंबर 21। पहले देख लीजिए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है। तो कहता है कि इफ जी, यहाँ स्टार देख रिप्रेजेंट करते हैं, बी ए फिनाइट, इज ए फिनाइट ग्रुप, पढ़ चुके पहले आप, देन ऑर्डर ऑफ जी इज द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन जी। ऑर्डर निकालने के लिए क्या होगा, जितना एलिमेंट रहेगा जी में सेट में वो टोटल का टोटल क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। इट इज डोनेटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी, इस तरह से चाहे कार्डिनलिटी का डोनेट करते हैं ना, कार्डिनल ऑफ जी। जैसे मान लेते एग्जाम्पल है कि लेट जी बराबर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बी ए फिनाइट ग्रुप, पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना, ये फिनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना हुआ, कितना एलिमेंट है, एक दो तीन एलिमेंट है, तो कितना ऑर्डर जो क्या हुआ, तीन हो गया। अब जी हैज इन्फिनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जी के पास इन्फिनाइटली मैनी अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग एलिमेंट है ना, देन जी इज ए ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर, है ना, क्या क्या लगा, जी इज ए ग्रुप है किसका, इन्फिनाइट ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई इंटेजर लेते हैं, इन्फिनाइट नंबर होता है उसमें, आप बोलोगे उसका कोई भी रियल नंबर लिए चाहे इंटीजर लिए, वो ग्रुप है ना, पहले से उसका ऑर्डर पूछेगा तो क्या हुआ, इन्फिनाइट ऑर्डर आएगा उसका। और फिनाइट के लिए तो एलिमेंट गिन के लिख देंगे, ग्रुप के लिए अब पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप वो क्या होता है। देखिए मेन इसी को निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, बाकी तो ग्रुप का ऑर्डर सिंपल है, फिनाइट ग्रुप इन्फिनाइट ग्रुप, फिनाइट ग्रुप में एलिमेंट गिन के लिख देंगे, इन्फिनाइट ग्रुप पे गिनती आपका नहीं हो पाएगा लास्ट तक का, इन्फिनाइट ऑर्डर होगा। इसको देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट किसमें, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें क्या है कि जो ग्रुप पहले से है तो कोई भी ऑर्डर निकालने के लिए, है ना, वह एलिमेंट का ऐसा पावर लिया जाए कम से कम मिनिमम हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जो पॉजिटिव हो, और वह क्या कर रहा है, आइडेंटिटी शो करे, क्या करें वो आइडेंटिटी शो करता हो तो ही कराएगा ऑर्डर। जैसे ए टू पावर एम है और इसका मान आइडेंटिटी हो गया, एम पॉजिटिव इंटीजर है, है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी ए क्या है, आइडेंटिटी है। ई जो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी जीरो होता है लेते हैं, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या लेते हैं, वन लेते हैं, बाकी तो उसका एक्चुअल वैल्यू दिया रहता है आइडेंटिटी पहले आपका, और जीरो वन कुछ नहीं तो ई देख के रिप्रेजेंट किया आपका आइडेंटिटी को, वो आइडेंटिटी समझ गया, तो ये भी आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप समझिएगा। तो मान लीजिए लेट जी बी ए ग्रुप एंड एक एलिमेंट ले लेते हैं ए जो बिलोंग कर रहा है किस में, जी में, तो क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किसका, ए का, ऑफ ए ग्रुप जी, ग्रुप जी में है, क्या कहलाएगा, इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटेजर
एम चाहे एन मान से तो एन ले लीजिए, जो आपको इच्छा है, सच डैट ए टू पावर एन क्या बनना चाहिए, आई एन टी होना चाहिए। फिर यहाँ पर ई जो है आइडेंटिटी है, इज द आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट किया गया है एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट जी। अब ऑर्डर ऑफ ए इज डोनेटेड बाय एन टी बाय ऑर्डर ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, या कार्निटी ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यह क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटेजर एन, है ना। हो सकता है कि आई एन टी और भी मैक्सिमम वैल्यू पर आ सकता है, जैसे हम लोग आयटा लेते हैं तो आयटा के पावर 4 भी क्या होता है, 1 होता है। आयटा पावर 8 भी क्या होता है, 1 होता है। आयटा पावर 16 भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन सबका वैल्यू तो 1 हुआ, तो सब तो ऑर्डर कराएगा नहीं, तो कौन कराएगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पर 4 है, 8 है, 16 है, तो स्मॉलेस्ट कितना हो गया, 4 हो गया आपका, तो छोटा हुआ उसी को लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ना। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा समझना केवल, है ना। आपको हम बहुत सारा एग्जाम्पल देके यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, कि अभी अभी हम लोग ग्रुप में देखे थे कि जी क्या था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक ग्रुप है। यह ग्रुप पहले प्रूव कर चुके थे। और 1 क्या है, आईएनटी है। यहाँ पर 1 जो है इज आइडेंटिटी ऑफ जी, यह ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। याद रखिएगा एडिशन के लिए जो है आईएनटी क्या लेते हैं, 0। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लेते हैं, 1। और जनरल कुछ ऐसा दिया हुआ है, जनरल ऑपरेशन कुछ दिया हुआ है, उसके लिए ई से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देखिए चूंकि ओमेगा क्यू के मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया, 1 क्या हो गया, आई एन टी आ गया, कितना हो गया, 3। एंड ओमेगा स्क्वायर ये तो आई एन टी है ही, अब बोले कि ऑर्डर ऑफ 1 के पावर 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया, इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 1 सेम आता है। अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के पावर 1 लेते हैं तो क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर के पावर 2 लेते हैं तो ओमेगा 4 हो गया, ओमेगा 4 के मान क्या होता है, ओमेगा होता है। कैसे, पढ़ चुके हैं आप, ओमेगा 4 का मान ले सकते हैं क्या चीज, ओमेगा इन ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब के मान क्या होता है, 1 इंटू ओमेगा, तो क्या होगा, ओमेगा हो गया। हमको क्या लाना है, आई एन टी लाना है। ओमेगा स्क्वायर के पावर 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, कितना हुआ, ओमेगा पावर 6, तो क्या हुआ, ओमेगा 3 का स्क्वायर 6 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करने पे क्या रहा, 1 आ रहा है, आई एन टी आ रहा है आपको दे रहा है। इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, जो आई एन टी देगा वही ऑर्डर कराएगा, नहीं 1 नहीं हुआ, कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3, जो पावर होता है स्मॉलेस्ट। और भी आगे इसका 1 आएगा, पावर 6 करेंगे उसका मान भी 1 आएगा, पावर 9 करेंगे उसका मान भी क्या हुआ, 1 आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 3 हुआ उसका। क्लियर, ऑर्डर समझ गए आप। इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल देखिए आप, है ना, जिसका ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हैं।
एक चीज याद रखिएगा, कॉमन चीज आता है कभी कभी में, इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, ऑफ ऑर्डर वन, ऑलवेज ऑफ ऑर्डर वन, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, वन होगा, जो भी लीजिए ऑर्डर ऑफ जीरो वन होगा, ऑर्डर ऑफ वन ही होगा, ऑर्डर ऑफ पी वन होगा, जो आइडेंटिटी होगा ऑर्डर क्या होगा वैसा वो वन होगा, एक कंडीशन था, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था, लिखवा दिए आपको। फिर एग्जांपल नंबर टू देखिए कि लेट जी बराबर मान लेते हैं, है ना, ये भी ग्रुप पर चुके हैं, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, ये भी क्या था, ग्रुप था विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका भी क्या होगा, देन अगर ऑर्डर ऑफ जी बोलेगा ग्रुप का ऑर्डर, तो क्या एलिमेंट है, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट है, फोर हो गया पहले, चूंकि वन के पावर वन तो क्या होगा, वन होगा, इसीलिए ऑर्डर ऑफ वन कितना हो गया, वन हमेशा होता है एंटी के, वन वन यहाँ एंटी है, वन क्या है, आइडेंटिटी है, लिख सकते हैं यहाँ पर, वन इज आइडेंटिटी, है ना, यानी तो कितना बड़ा, इतना बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये सब इसी लिखने के पहले हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं सब ना। फिर चूंकि माइनस वन के पावर वन तो क्या होगा, माइनस वन होगा, है ना, और माइनस वन के पावर टू तो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है ना, इसलिए ऑर्डर ऑफ माइनस वन कितना आ गया, टू आ गया, ऐसा नहीं है ऑर्डर पावर फोर करेंगे तो ही वन होगा, पावर सिक्स करेंगे तो ही वन होगा, लेकिन सबसे क्या लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है, यही ध्यान देना है बस, बाकी सब निकलेंगे आपको, आटा के पावर फोर मान क्या हुआ, इसीलिए ऑर्डर ऑफ आटा कितना हो गया, फोर, जैसे आटा पावर वन आटा, आटा पावर टू माइनस वन, आटा पावर थ्री माइनस आटा, आटा पावर फोर वन हो गया, आइडेंटिटी दे दिया, आटा पावर एट का मान भी आइडेंटिटी देगा, आटा पावर ट्वेल्व का मान भी आइडेंटिटी देगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट यहाँ फोर का हो गया, इस तरह से माइनस आटा के पावर फोर इसका मान भी क्या होगा, वन होगा, लेकिन नेगेटिव का पावर फोर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आटा पावर फोर बच गया, मान वन होता है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आटा का मान भी क्या होगा, फोर ही आएगा आपका, क्लियर हो गया सब। कुछ थोड़ा सा दूसरा टाइप का एग्जांपल देख लीजिए, है ना, एडिशन मॉडलो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रूप में, और याद रखिएगा इसमें भी एक पॉइंट लिखवाते हैं, ऑब्जेक्टिव लाइक इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एट पावर एम बराबर अगर ई है, देन वी है ऑर्डर ऑफ ए जो है लेस देन होगा एम चाहे इक्वल टू एम, कभी कभी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, जो आपको एडिशन मॉडलो करके रहेगा आपके ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो करके, एग्जाम्पल नंबर थ्री, फाइंड द ऑर्डर
ऑफ सम एलिमेंट ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कितना होगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कितना है, एडिशन के मेगा और जीरो भी होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, द कंपोजिशन बीइंग एडिशन मॉडुलो सिक्स मॉडुलो सिक्स, कहीं कहीं ऐसा भी देता है जेड सिक्स, आप समझ जाइएगा ना कि एडिशन मॉडुलो है, ये भी क्या है एडिशन मॉडुलो, कहीं पहचान आपको दिया हुआ ना, यू वर्ड में लिखा हुआ है, यू वर्ड में अंक में लिखा हुआ है ना, जेड सिक्स का एडिशन मॉडुलो सिक्स है, तो फाइव तक ही जाएगा आपका। अब देखिए जी यहाँ पर क्या है, जीरो जो है इज द आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, क्योंकि हम बताया था कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए इसका ऑर्डर हमेशा क्या हुआ वन होगा। नौ, अब एक निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी सब निकालिए गए ना, सिर्फ वन के पावर वन तो वन होगा, वन के पावर टू तो वन, एडिशन मॉडुलो सिक्स वन है कितना हुआ टू आ जाएगा, उस तरह से वन के पावर थ्री तीन बार करेंगे तो मान क्या हुआ थ्री आएगा, वन पावर फोर कितना हो गया फोर होगा है ना, एडिशन मॉडुलो करना आपको चार बार करेंगे उसको, वन पावर फाइव पाँच बार करेंगे तो कितना आएगा फाइव ही आएगा, और वन के पावर सिक्स करेंगे है ना छः बार तो क्या होगा इसका मान फिर वापस जीरो हो जाएगा, सिक्स आपको नहीं फाइव तक ही बोला गया है, जैसे सिक्स आएगा क्या हुआ आई एन टी शो करेगा, क्या करेगा आई एन टी शो करेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ वन कितना हो गया सिक्स हो गया। उसी तरह से टू टी पावर वन टू का स्क्वायर टू का क्यू है ना, इस तक करते जाएंगे हम लोग, और टू टी पावर जैसे थ्री लेंगे कितना हो जाएगा टू टी पावर थ्री, टू टी पावर थ्री तीन बार जोड़ेंगे जी, टू प्लस टू प्लस टू यहाँ पर एडिशन मॉडुलो है ना, एडिशन मॉडुलो बोला गया तो कितना होगा टू प्लस टू का तो सिक्स क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए जीरो होगा, तो मान कितना हो गया ऑर्डर ऑफ टू बराबर थ्री, ऑर्डर टू बराबर कितना हो गया थ्री, इस तरह से और भी और निकालिएगा आप है ना, एडिशन मॉडुलो वाला बहुत पहले भी आप लोगों को एडिशन मॉडुलो के बारे में विशेष बता चुके हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा है ना, आसानी से निकल जाएगा सब आपका। अब चलते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर, कंसीडर द ग्रुप यू टेन अंडर द मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन मॉडुलो टेन बोला है, मॉडुलो इसका मतलब एप्लीकेशन मॉडुलो टेन, इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को यू टेन मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमको एक तो आई एन टी लेना ही लेना है, बाकी क्या होगा थ्री होगा, फोर नहीं कितना होगा फाइव नहीं थ्री सेवन और नाइन, जिससे यह देखिए और भी आगे टू टू का मल्टीपल है इसलिए होगा रही है ना, पहले यहाँ देख लेते हैं कि टेन बराबर ले सकते हैं टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव ना टू लेना होगा ना फाइव लेना होगा,
बाकी सब ओड नंबर ले लगे आप ना, क्यों टू और फाइव से क्या हुआ यहाँ पर ये हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बोलिए कि सिक्स, तो सिक्स भी टू का मल्टीपल है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इतना लिए हम लोग, टू का मल्टीपल है, ये नहीं लिया गया आपका, थ्री का नहीं है ये लेंगे, वन का नहीं लेंगे आपका, वन तो आइडेंटिटी है, फोर फोर यानी टू का ये मल्टीपल है, तो टू यहाँ मल्टीपल है टेन का, ये भी नहीं लेंगे हम लोग। सिक्स ये भी क्या है, टू का मल्टीपल है, नहीं लेंगे हम लोग। ये भी क्या है, टू का मल्टीपल है, ये भी नहीं लेंगे, इसलिए कौन नंबर हो गया, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, क्योंकि जो मल्टीपल है उसका तो डिविजिबल होगा ही आपका, है ना, समझ गए आप लोग, है ना। लाइक लोग कन्फ्यूजन था क्यों लेते हैं वन थ्री सेवन फाइव, या टू कहने लिए आप फाइव कहने लिए, है ना, नंबर कहाँ छूट गया बीच में आपका, तो क्लियर हो गया क्यों नंबर छूटा आपका। टेन जो है टू इंटू फाइव, टू का मल्टीपल है, फाइव का मल्टीपल है, तो जो टू का मल्टीपल और फाइव का मल्टीपल होगा यह नंबर नहीं होगा। अब देखिए चूंकि वन की पावर वन क्या होगा, वन ही होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ वन हमेशा आई आई टी मैट्रिक्स यहाँ पर वन है तो वन होगा। थ्री की पावर वन थ्री हो गया, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, थ्री की पावर थ्री कितना हो गया, थ्री की पावर थ्री, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री जार ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन और टेन से डिवाइड होगा कितना हो गया, सेवन बचेगा आपका रिमाइंडर। अब कितना हुआ, थ्री की पावर फोर कितना हुआ, एट्टी वन, एट्टी वन और टेन से डिविजिबल होगा ना तो मल्टीपल है, सो तो क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर वन बचेगा रिमाइंडर, इक्वल टू कितना हो वन बचा, तो वन बचा तो यही क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ थ्री बराबर कितना आ गया फोर। इस पर आई आई टी दे रहा आपको, आई आई टी देना चाहिए। इसी तरह सिमिलरली आप अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा, ऑर्डर ऑफ सेवन फोर देगा एंड ऑर्डर ऑफ नाइन जो है टू देगा, क्यों, जैसे नाइन कीजिएगा तो नाइन पावर वन तो नाइन हो रहा आपका, नाइन पावर टू कितना हो एटी वन, जैसे टेन से डिवाइड हुआ कितना रिमाइंडर बचेगा वन बचेगा, नाइन का स्क्वायर वन दे रहा आपको, है ना, आइडेंटिटी दे रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ नाइन कितना हो गया टू हो जाएगा। यह था अलग अलग टर्म में, एक जनरल टर्म भी होता है जो एक सेट दे देता है, फिनाइट सेट, अब बोलता है कि इसमें इसका आप ऑर्डर निकालिए, है ना, तो एक जनरल सेट लेते हैं और उसका हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर फाइव, कंसीडर द ग्रुप, जब तक हम लोग एडिशन और मल्टीप्लाई करते रहते जब तक हमको आईएनटी नहीं आ जाता है, तो इसको अब इसके पहले जो बताएं एडिशन मोड लो और मल्टीप्लिकेशन मोड लो, जो पढ़ा हुआ पहले पढ़ा चुके हैं वह पढ़ा लोगा पहले से, तो आपको ऑर्डर पढ़ने में आपको आसानी पड़ेगा, कैसे वन आया उसमें बताया गया था आपको, कि प्रूफ किए थे हम कि एडिशन मोड लो और मल्टीप्लिकेशन मोड लो क्या होता है, ग्रुप होता है, जब ग्रुप प्रूफ किए थे तो आपको याद रखिएगा वहाँ पर आईएनटी भी प्रूफ किया गया होगा, ए ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर ए फाइव और ए सिक्स तक ले रहे हैं ना, ए सिक्स, और ए सिक्स का मान क्या दे रहा है आपको, यहाँ पर आइडेंटिटी दे रहा है ना। अब तो समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया सिक्स, क्योंकि ए के पावर सिक्स आपको आइडेंटिटी देगा, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया सिक्स हो गया। अब चूँकि ए स्क्वायर के पावर वन ऐसे नहीं कह सकता अलग वन, तो क्या देगा ए स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर के पावर कितना वन लिखे टू लिखे तो ए फोर, ए बिलोंग कर रहा है इसमें, ए पावर ए स्क्वायर का होल क्यूब क्या हुआ ए सिक्स, आई ए सिक्स क्या दे रहा है आई आई टी दे रहा है, ए स्क्वायर का होल क्यूब कितना हो रहा है आई आई टी हो रहा है आपका यहाँ पर, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा थ्री हो गया। इस तरह करके भी निकाल कर देख चेक करते हुए ना, नजायज एक बार भी निकाल सकते हैं अगर जान गए तो।
अब चलिए ए की पावर 4, 3 के पावर 1 कितना हुआ, ए 3 हो गया, ए पावर 3 का कितना हो गया 2, ए 6 हो गया। इसके मान क्या है, आई एन टी है, ए क्यूब का होल स्क्वायर कितना हुआ, आई एन टी देर आपका, तो ऑर्डर ऑफ ए क्यूब कितना हो गया, 2 हो गया आपका। इस तरह निकाल सकते हैं आप, ए 4 का मान कितना है पावर 1, पावर 1 तो कितना हुआ, ए 4 देगा, ए 4 के पावर 2 क्या देगा, ए 8, ए 6 इंटू ए स्क्वायर आया तो क्या हुआ, ए स्क्वायर बचेगा मेरा। ए 4 का क्यू कितना देगा, ए 12 देगा, तो ए 6 का स्क्वायर हो गया है ना, यानी ई का स्क्वायर क्या हुआ, ई होगा, यानी ए 4 का होल क्यू क्या दे रहा है, ई दे रहा है लास्ट में सॉल्व करने के बाद। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ ए 4 कितना होगा, 3 हो जाएगा मेरा। इस तरह से ऑर्डर निकालना आसान है, जनरल भी आप है ना, जनरल वे में भी निकाल सकते हैं है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए 5 पावर 1 तो क्या हुआ, ए 5 देगा आपको, आई टी नहीं हुआ। ए 5 का पावर 2, ए 10 मतलब क्या, 6 प्लस 4, यानी ए 4 बचेगा, क्योंकि ए पावर 6 तक क्या है, आई एन टी है। ए पावर कितना, 5 पावर 3 तो कितना हुआ, ए पावर 15 कितना देगा आपको, 6 इंटू 2 प्लस 3, ये 3 बचेगा आपका, डिवाइड करते हैं उस सबका होता है। अब कितना बचेगा यहाँ पर, ए 5 पावर 4 कितना हो गया, ए 20, 6 से करें तो कितना हुआ, 6 3 18, ए स्क्वायर बचेगा मेरा। ए पावर 5 पावर कितना हो गया, 5 कितना हुआ, ए 25, 6 से करें तो कितना हुआ, ए देगा मेरा। ए 5 पावर 6 क्या हुआ, ए पावर 30, 6 से कैंसिल हुआ कितना बचेगा, ए 6 पावर 5 यानी कि ई पावर 5 तो कितना देगा, ई देगा। एक ही लिख सकते हैं, ए पावर 6 के पावर होल 5, ए पावर 6 के मान कितना, ई है, आई एन टी पावर 5, इसके मान क्या हुआ, आई एन टी होगा। कितना दिया, आई एन टी दिया मेरा आपका, ऑर्डर ऑफ ए 5 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह से हम लोग अलग अलग ग्रुप का हम उसका एलिमेंट का ऑर्डर निकालें, अलग अलग ग्रुप लिए उसका एलिमेंट का ऑर्डर निकालें। अब बोलेगा कि एक ग्रुप है जी, इसका मान लें कि यह जी बराबर दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ जी आसानी है, फिनाइट ग्रुप है, तो एलिमेंट गिन लें, क्या 2 है, 1 2 1 2 3 4 5 है ना, 6 कितना हो गया, 6। ये सिंपल है, लेकिन एलिमेंट क्या निकालने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है ना, उसका रूल जानना पड़ता है। अगर सब ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से आप लोग है ना, नया लेक्चर को देखते आ रहे हैं, तो आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ग्रुप थ्योरी या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के।